एक दर्शक से पूछते हैं, मनीष ओझा जी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए, मनीष जी क्या कहेंगे, क्या आंदोलन वाकई सही दिशा में जा रहा है, क्या ऐसे समाधान निकलेगा? दीपक जी मैं आपको बता दूं, आंदोलन जो है एकदम किसान जायज मांग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 17 सितंबर 2020 को जब ये कृषि कानून बिल पास की, तो ये कानून एक तरह से कहा जाए तो काला कानून पास किया गया तीनों। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कानून लाने की आवश्यकता क्या है जिसे हमारे किसान भाई नगवार लगा रहे हैं, मतलब उसको सिरे से निकाल रहे हैं। उस कानून की मुझे तो नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ठीक है, आपको लगता है आवश्यकता नहीं है, सीधे मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास चलता हूं। सर, इसी बात पर बात अटकी हुई है कि ये कानून क्यों लाए गए, क्या बातचीत और समाधान के रास्ते में कानून क्यों लाए गए, यही सबसे बड़ी बाधा है, या उससे आगे बढ़ के बातचीत के या फिर अल्टरनेट या विकल्प तलाशने की कोशिश होनी चाहिए? आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, आप क्या अपील करेंगे किसान संगठनों से? दीपक जी 45 घंटे चर्चा हो चुकी है, 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। हमने जो प्रपोजल थी कैबिनेट मिनिस्टर साहबान ने वो सामने रखी, एमएसपी के बारे में भी कहा लिख के दे देते हैं, अभी तक कभी 65 से किसी ने लिख के नहीं दिया, और जो आपके शंकाएं हैं हम सब दूर कर देते हैं। उसके बाद सस्पेंशन जो होती है उसका मतलब ही साफ है कि ये कानून लागू नहीं है, इसकी जगह जो चीज बनने के लिए कमेटी बन रही है, और हर बार एक नई मांग आ जाती है कि अब हम ये करेंगे। दूसरा, जब बातचीत का दिन होता है एक नई धमकी होती है कि इसके बाद इस तो 26 तारीख को हम ये ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दूसरी तरफ हर पॉलिटिशियन जो है वो यही कहता है कि एजिटेशन मैं करवा रहा हूं, कांग्रेस कहती है हमारी है एजिटेशन, अकाली दल कहता है बीबी जगीर का और एसजीपीसी के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं एजिटेशन हमारी है, हम इनको फंड कर रहे हैं। भाई ये अगर किसानों की है तो किसान बैठे, सरकार में भी किसान बैठे हैं, हम भी किसान हैं, बैठ के मसला हल करें। आप अल्टरनेटिव ला के तो दो, बताओ क्या इसमें करना है, वो कर देते हैं, लेकिन शंकाएं पैदा करने, भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना, ये जो है ये अपोजिशन का काम है, और ये लोगों को भड़का रहे हैं।